यथा यथात्मा परिमेज्यते असो मत्पुन्न गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्त यथा यथात्मा परिमेज्यते असो मत्पुन्न गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजनो संप्रयुक्तम् गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपा परमंश जगत गुरु जी ने बताए अप्राकृत जगत का साथ नाता जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं, एक ही रास्ता है, वो है अप्राकृत अप्राकृत शब्द ब्रह्म का सहारा लेना। गौरी गोष्ठी भोति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमंश जगत गुरु जी ने बताएं अप्राकृत जगत का साथ नाता जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं, एकमात्र एक ही रास्ता है, वो है अप्राकृत शब्द ब्रह्म का सहारा लेना। जितना परिमाण हरिकथा वास्तव जगह से वास्तव साधु गुरु वैष्णव से सुनने का व्यवस्था हो जाएगा, उतना ही उसका अंतर में जो तरह तरह का अनर्थ है, अनर्थ उतना परिमाण में हट जाए। जितना परिमाण में अप्राकृत जगत का हरिकथा सुनने का व्यवस्था हो जाएगा, जितना परिमाण में अप्राकृत जगत का हरिकथा सुनने का व्यवस्था हो जाएगा वास्तविक साधुगुरु वैष्णव का मुखारविंद से, उतना परिमाण में हमारा अंतर का अनर्थ हट जाएगा। जब भगवत कथा में भगवान का हरि कथा में संपूर्ण रूप से हमारा मन बैठ जाएगा, तब तो यूं समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका पहले नहीं। कहने का मतलब है, काल जो चर्चा हो रहा था, ये जो अप्राकृत गोलोक धाम, मतलब जो नित्य गोलोक धाम जो है, और ये गोलोक धाम से गोकुल धाम अर्थात ब्रज धाम, ये वृंदावन धाम जिसको हम कहते हैं, ये जो ब्रज धाम जो नित्य जगत से इस जगत में प्रकट होते हैं कृपा करने के लिए हम लोगों को, ये दोनों में कोई भेद नहीं, ये बात समझने का कोशिश कृपया कष्ट करे समझने का। अप्राकृत जगत का जो गोलोक धाम जो नित्य विराजमान है, और वहां से जो वृंदावन ब्रजधाम गोकुल इधर प्रकट हुआ है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। और एक बात विशेष है, यद्यपि और एक बात विशेष है जो गोलोक धाम से ब्रजधाम गोकुल इधर आने का बावजूद उस धाम गोलोक धाम से ब्रजधाम इस जगत में प्रकट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोलोक धाम फांका हो गया। कहने का मतलब है अप्राकृत जगत का जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम
ब्रज धाम और गोकुल इस जगत में जो प्रकट होते हैं गोलोक धाम से वृंदावन, फिर भी वहां परिपूर्ण रूप से वृंदावन धाम मतलब गोलोक धाम रहता है। उपनिषद का ये बातें हैं, पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन ये है, पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन तो ये है जो पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु लिया जाए। पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन तो ये है, पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु लिया जाए फिर भी पूर्ण वस्तु ही रहेगा। उपनिषद का विचार है पूर्णस्य पूर्णमादायो पूर्णस्य पूर्णमादायो पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु निकाला जाए तो पूर्ण ही रहता है। अप्राकृत गोलोक धाम जहां नित्य विराजमान है वहां से अगर वृंदावन इधर पधारे फिर भी एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। दोनों में फर्क तो नहीं है लेकिन फर्क तो लगता है। वो किस लिए? श्रीला सच्चिदानंद भक्तिमती ठाकुर ने बताए ये केवल दृष्टि जीवों का अधिकार का अनुसार, आप समझा नहीं। प्रभुपाद जी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये जो परमहंस जगतगुरु इन्होंने बहुत बार दृष्टा दृश्य ये सब के बारे में चर्चा किया है। जब तक हम इस जड़ जगत में विराजमान हैं और हमारा अंग में अनर्थ भरपूर है, अभिमान है, तब तक हमारा अपने को दृष्टा बोल के अभिमान होता है। ये चारे दुनिया का जो कुछ भी है सब हमारा दृश्य है। आई बात समझ में? मैं दृष्टा हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, डुअरशिप। जब तक मेरा अंदर में दृष्टा अभिमान रहे तो दुनियादारी का चीज हम देखते रहे। अरे दुनियादारी का चीज तो दूर की बात है, अगर भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो भी हमारा भगवान हमारा दृष्टव्य विषय हो जाता। भगवान बिकम अ मैटर ऑफ माई दर्शन, अर्थात हमारा दर्शन माया का दर्शन। जब भगवान मेरा दृश्य हो जाता है, मैं देखता हूं, मैं मालिक हूं, मैं पुरुष हूं, पुरुष मतलब अभिमान, कर्ता अभिमान जिसका अंदर में उसका नाम है पुरुष, पौरुष से पौरुष बलबीर जो पौरुष है, ये जो कर्तापन जो एक एक शरीर का अंदर में, ये जो हर जो शरीर है ये शरीर का अंदर में दो पुरुष रहता है। हमारा जो शरीर है इसका अंदर में विचार करके देखो तो दो पुरुष है। एक पुरुष है एब्सोल्यूट पुरुष परमात्मा के रूप में, और एक पुरुष है वो फॉल्स अभिमान वृथा अभिमान कायम करके रखे हैं। ये अपना मिथ्या अभिमान को कायम करके रखे हैं भोक्ता, लेकिन परमात्मा छोड़कर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी इतना अभिमान है। सो ये शरीर का अंदर में दो पुरुष है, एक है परमात्मा पुरुष और एक जीवात्मा पुरुष। ये जीवात्मा पुरुष का जो पुरुष टाइटल है ये इसीलिए दिया गया है, इसके अंदर में भोगने का वासना है, कर्तापन है इसलिए। लेकिन असली विचार करो तो पुरुष एक ही है, ये नकली पुरुष मतलब इसका जो डुअरशिप है अभिमान है
इसके द्वारा ये बंधन में गिर गया। असली भोक्ता तो एक ही है, वो परमात्मा, और कुछ नहीं, कोई नहीं है। पोपाक बहुत बार ये सब चीज लेकर चर्चा किए, दार्शनिक विचार किए, बहुत सुंदर दृष्टा दर्शन, दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य दर्शन, दृश्य जो दर्शन करता है, दृश्य मतलब जो चीज को दर्शन करने के लिए दृष्टा खड़ा है, और दृश्य मतलब जो एक्शन, दर्शन नामक क्रिया। ये जो चीज है ये अपारेंट है, लेकिन जब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में पहुंच जाए तब कोई खोटा नहीं रह सकता, लेकिन अभी का जो दर्शन है इसमें खोटा है। मतलब मंदिर में भगवत दर्शन करने जाए फिर भी इसका अंदर में मैं भगवान को देख रहा हूं, भगवान एक पुतली है, भगवान एक पुतली है, पत्थर का या दारू का पुतली है, मैं उसको दर्शन करने जाता हूं। जब तक ये ऐसा मापिक दृष्टो दृश्यो दृष्टा अभिमान रहे तब तक भजन का कोई गंदगी तक नहीं रह सकता। भजन का गंदगी थोड़ा सो गंध सोगन नहीं रह सकता। जब तक दृष्टा दृश्य एवं दर्शन का विचार क्लियर ना हो जाए, पक्का ना हो जाए, तब तक भजन में लगना संभव नहीं, भजन में लग ही नहीं सकता। हम लोग भगवान को नहीं देख सकता, भगवान मेरा दृश्य नहीं हो सकता, भगवान कैन नेवर बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई दर्शन, ये गलत बात है, ये मायावादी का विचार है, उचित नहीं है। भगवान को भला मैं कैसे देख सकता हूँ, भगवान तो स्वप्रकाश है, भगवान ओमनी प्रेजेंट ओमनीशियंट ऑल परवेडिंग अनंत रूपी हरि, हरि अनंत हरि रूप अनंत, इसको भला मैं कैसे ये आंखों से रक्तवांश का बना हुआ आंखों से देख सकता, ये संभव नहीं। तो जब तक भगवान मेरा दृश्य है तब तक सब बेकार है। जब मैं भगवान का दृश्य हो जाऊं, जब मैं भगवान का एक दृश्य विषय हो जाऊं तो अच्छा है। तो जिस बात को मैं बताना चाहा, जिस बात का ऊपर चर्चा कर रहा था खुलासा करने के लिए, वो है गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं, फिर भी भेद है। वो भेद क्या है? बोला वो वस्तु को तो भेद नहीं है, वो भेद है अधिकार का अनुसार भेद। अर्थात जो दर्शन करेगा, दृष्टि जीवों का अधिकार का अनुसार होता है। इसी के लिए मैंने पहले शुरू किया, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असो मत्पुण्य गाथा सवनो विधान, ये जो श्लोक शुरू का इसीलिए शुरू किया। जैसा जैसा परिमाण में मेरा महापुरुष गुरु वैष्णव का मुखा परमंश गुरु वैष्णव का मुखारविंद से जितना हरि कथा कीर्तन सुनेंगे उतना ही हमारा दर्शन का जो दोष है, जितना सारे अनर्थ है दोष है सारे रेक्टिफाई हो जाएगा, सारे विशुद्ध हो जाएगा। जीवों का अंदर में तरह तरह की वासना कामना वासनाएं, तरह तरह की कामना वासनाएं रहते हैं। जरासल कामना वासना रहते समय जीवों का साथ अपरागी जगत का संबंध जोड़ने का कोई व्यवस्था हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, शरणागत होके शुद्ध गुरु वैष्णव का चरण में शरणागत होके कोशिश कर रहा है
तो जब गुरु जी का कृपा से सारे अनर्थ तो हट जाए तभी आगे चलकर भगवत दर्शन संभव है, इसका पहले बिल्कुल नहीं है। जीवों का अधिकार का अनुसार, जीवों का अधिकार का अनुसार उसका जो प्रीवियस संस्कार है, उसका जो प्रीवियस संस्कार है, संस्कार का अनुसार उसका जो पहले का संस्कार है, 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 संस्कार का अनुसार हमारा अंतकरण का जैसा शुद्धि, जैसा शुद्धि है मतलब हो गया 80% शुद्धि, उतना ही हमको दर्शन का मोहलत मिल सकता है, बाकी संभव नहीं है। ठीक है, जितना ही दर्शन का क्षमता, दर्शन तो आंखों से होता है, लगता है, लगता तो है दर्शन आंखों से होता है, लेकिन असली बात तो यह है दर्शन, दर्शन हमारा संस्कार का बैकिंग का अनुसार होता है। दर्शन तो मेरा दर्शन तो मेरा संस्कार का अनुसार होता है। इसीलिए यद्यपि ये गोलोक धाम और गोकुल धाम एक ही है, फिर भी दर्शन में फर्क है। अप्राकृत गोलोक धाम में जो गोलोक धाम है वहां अगर कोई पहुंचे, वहां दर्शन करे, उस दर्शन में कोई दोष नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें माया का कोई टच है नहीं, माया का कोई टच है ही नहीं। लेकिन इस जगत में जब अप्राकृत गोलोक धाम आए, अप्राकृत गोलोक धाम जब इस जगत में पधारे, उस समय भी माया का प्रभाव उसका ऊपर पड़ नहीं सकता, लेकिन जीवों का ऊपर तो पड़ सकता, इसका ऊपर तो नहीं पड़ सकता, लेकिन जीवों के ऊपर तो जरूर पड़ सकता। जब तक जीव बद्ध अवस्था में है उसका ऊपर तो पड़ सकता। तो ये जो इसका ऊपर जो प्रभाव पड़े अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर क्लीननेस, शुद्धता, उसका धाम का दर्शन का जो पर्दा खुलेगा। जीवों का अंदर में जो अनर्थ है संपूर्ण रूप से मैल शून्य हो जाने से बाकी आगे चलकर दर्शन का कोई खोटा नहीं रह सकता। मौल मतलब हेयत्व, उपाधि, माया, अविद्या, अशुद्धता, फलगुत्व, तुच्छत्व, स्थूलत्व, ये केवल ये जो हमारा जीव, हमारा जो अंदर में जो दृष्टि है, दृष्टि जीवों का जरो भावित चक्षु, बुद्धि, मन, अहंकार निष्ठो, किंतु दृश्य वस्तु निश्चय न, समझा नहीं। केवल दृष्टि जीवगणों का अधिकार का अनुसार उसमें कुछ कुछ अलग अलग सा दर्शन का भाव खुलता है। केवल दृष्टि जीवों का अधिकार का अनुसार इनका दर्शन में कुछ 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 अलग अलग सा प्रतीत माने विश्वास होता है, जैसे जैसे उसका संस्कार वैसे। मल मतलब जो हेयो अंश है, मल मतलब जो फेंकने वाला चीज है, मल मतलब जो कंटेमिनेशन है, मल मतलब हेयत्व और उपाधि,
माया अविद्या अशुद्धता फलगुत्व ड्राई दर्शन एंड तुच्छत्व फ्यूटाइल दर्शन स्थूलत्व मेटेरियल दर्शन ये केवल दृष्टि जीवों का एक केवल दृष्टि जीवों का जरोभावित चक्षु बुद्धि मन अहंकार निष्ठ किंतु दृश्य वस्तु जो गोलोक व वृंदावन को देखने जाए दृश्य वस्तु निष्ठ नहीं दृश्य वस्तु का निष्ठ निष्ठा इसके अंदर नहीं नहीं पैदा हुई। जो जितना दूर ठाकुर ने व्याख्या किया जिनका अंदर में जितना दूर तक जिनके अंदर में जितना दूर दूर तक जिनके जिनके अंदर में जितना दूर तक दर्शन का जो कंटामिनेशन है हट गया उतना ही उसका दर्शन दोष रहित हो सकता है। जो जितना दूर तक जो जो जितना दूर तक तत् तत् दोष शून्य अर्थात जो दोषों का बारे में बताए ये सब रेस्पेक्टिव दोष से अगर जितना हो सके आगे बढ़े दोष को नीचे फेंक कर जो जितना दूर तक तक तत् तत् उस विषय का दर्शन दर्शन का जो जितना दूर तक तत्त विषय पर दोष दर्शन शून्य हो पाया वो उतना दूर तक विशुद्ध तत्व दर्शन में समर्थ हो सकता है। शास्त्रों का अंदर में जो तत्व प्रकाशित हुआ है ये टोटली कंटेमिनेशन फ्री केवल ये शास्त्रों का चर्चा वालों का अंदर में केवल तद आलोचक व्यक्तिगणों का अंदर में इनके इनके जो दर्शन का बैकिंग है प्रतीति समूह तत्त अधिकार का अनुसार मल युक्तो व मल शून्य हो सकता है। किसी का मल कंटामिनेशन फ्री किसी का कंटामिनेशन का युक्त है इस बारे में आज ये सब काल इस बात को चर्चा किया। इस मेटेरियल जगत में विचार कुछ ऐसा बनता है कि जिसका अंदर में ऑनेस्टी है उसका अंदर में डिसऑनेस्टी भी है एक साथ ये हो नहीं सकता। आई बात समझे इस जगत का विचार है या अगर किसका अंदर में ऑनेस्टी है इसका अंदर में जरूर डिसऑनेस्टी नहीं आ सकता। इस जगत में जो अपारेंट अपेक्षिक शब्दों का भरोसा लेकर चलता है वो कभी झूठा को लेकर नहीं चलता एक साथ नहीं हो सकता। आई बात समय में इस जगत में जिसका अंदर में भोग करने का इंटेंसिटी ज्यादा है भोगी वो त्यागी नहीं बन सकता एक कॉन्ट्रडिक्टरी। इस जगत का यही नियम है कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज कैन नॉट परसिस्ट इन अ मैन अंडर आवर कंसिडरेशन। हम जो वस्तु व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस जगत का अंदर में जो वस्तु है इसमें विरुद्ध गुणावली एक साथ एट ए टाइम रहना संभव नहीं। एक ही साथ हम बोले अब उजाला है अब कुछ दूसरा बात बोले नहीं अंधेरा है ये कैसे हो सकता। उजाला और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता है। इस जगत में दो विरुद्ध गुणावली एक साथ नहीं रह सकता है। लेकिन
भगवान का बारे में अगर ये सोचने जाए तो इसमें विरुद्ध गुणावली ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट करके रह सकता है, संभव है। विरुद्ध गुना एक ही साथ भगवान का एक्सट्रीम एब्सोल्यूट वैराग्य है, एट द सेम टाइम भगवान का अंदर में एब्सोल्यूट, भगवान इज द एब्सोल्यूट एंजॉयर। ये कैसे हो सकता महाराज? बोले हाँ हो सकता, ये जगत में संभव नहीं, ये जगत में ये किसी भी हालत से संभव नहीं, कुछ भी कर लो, लेकिन अपराकृत जगत में संभव है। अपराकृत जगत में विरुद्ध गुणावली भगवान श्री कृष्ण के अंदर में रहे तो ये रह सकता है। भगवान एक ही साथ एब्सोल्यूट एंजॉयर, एक ही साथ एब्सोल्यूट डिटैचमेंट भगवान के अंदर में है। ओषज समग्र सो वीरजस्व जसोस्व स्त्रीय ज्ञान वैराग्य शैव सौर इति भगव इंगन। वैराग्य माना गया ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य सब, अरे ऐश्वर्य किस लिए है? ऐश्वर्य वीरजस्व जसोस्व सब कुछ भगवान के अंदर में विरुद्ध गुणावली रहना संभव है, लेकिन ये जगत में ये संभव नहीं है। काल जो बताया था मैंने, एक कंपैरेटिव चर्चा हो रहा था जिस विषय को लेकर बहुत हंगामा हो गया, अभी भी हो रहा है बहुत हंगामा। वो क्या है? जीव गोस्वामी पद का सिद्धांत विचार के बारे में, कहने का मतलब यह है गोलोक नित्य सिद्ध है, गोलोक में माइक प्रत्यय का अतीत रसपीठ है, ध्यान दे, गोलोक नित्य सिद्ध, गोलोक नित्य सिद्ध है, माइक विश्वास माइक माइक प्रत्यय का अतीत रसपीठ है। सो वहाँ जो अभिमान, वहाँ मैं कृष्ण का पिता हूँ, ये जो अनुभव है बहुत विचार करके सुनना है, नहीं तो दिमाग से हवा का मापिक निकल जाएगा, हवा जैसे निकलता है। गोलोक नित्य सिद्ध स्थान है और माइक 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 प्रत्यय माइक माने में माइक माने माया का प्रत्यय का अतीत, माया का प्रत्यय का अतीत, माया से माया के जरा प्रतीत होता है, इसका अतीत एक रसपीठ है। वहाँ किसी का अंदर में अगर है कृष्ण मेरा दोस्त है, ये भावना का साथ साथ रस सिद्ध हो जाता है। आप समझा नहीं, इस जगत में भजन करते 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 प्रेम पहुँचेगा अंतिम में, है प्रेम पहुँचेगा ना, प्रेम पहुँचेगा तो अच्छा, प्रेम का बात भाव अनुभव सारे आस्ते आस्ते धीरे धीरे आगे चलता है, आगे आगे चलते चलते, लेकिन इस जगत में प्रेम तक है, प्रेम का बात और कुछ नहीं, प्रेम तक बाकी। लेकिन उस जगत में, इस जगत में रस को सिद्धि करना पड़ता है। इस जगत में आप भजन करते करते गुरु कृपा के द्वारा आपको रस का सिद्धि होना करना जरूरी। जैसे आप शक्कर रस में भजन किए तो शक्कर रस का सिद्धि इसी जगत में करना है भजन करते, लेकिन गोलोक वृंदावन में कोई रस सिद्धि का विषय नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध रसपीठ है। वहाँ किसी का अंदर में ये भाव, किसी मतलब जिसका तो वोधा तो सब नित्य सिद्ध पार्षद ही रहता है, तो जिसका अंदर में जो भाव है वो विचार करने के साथ साथ रस सिद्धि होता है, वहाँ साधन का जरूरी नहीं।
यहाँ स्नेहो मान प्रणय, स्नेहो मान प्रणय हैं भाव, ये सब इस जगत में धीरे 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 भजन करते करते आगे चलना है। तो गोलोक धाम वृंदावन में रससिद्धि ऑटोमेटिक है। और हमने बताया ये जो सौकिया परोकिया लेकर इतना लड़ाई चल रहा है वो कुछ नहीं, इट्स वन काइंड ऑफ फैलेसी। जो लोग तर्क उठा रहे हैं ये सौकिया, नो सौकिया ही ठीक है, बाकी बेकार की बात है गौरी वाले का। कोई अगर तर्क उठाए कि महाराज सक्यो ठीक है पर क्या नहीं हो सकता, इसका विचार के अनुसार हम दिखाएंगे इसका जो विचार है सकिया ठीक है। और रसिक भक्तों गणों का विचार के अनुसार जो परकिया भाव है ये भी ठीक है। बोले दोनों कैसे ठीक हो सकता है, बोले दोनों ठीक हो सकता, दोनों कृष्ण का बारे में ठीक हो सकता, बाकी जगत का बारे में हैं टू कॉन्ट्रडिक्टेड थिंग्स कैन नॉट कम टू एन कंक्लूजन, हो नहीं सकता। लेकिन गोलोक धाम में कृष्ण का विषय में ठीक है। हमने क्या बोला, जो लोग तर्क उठा रहे हैं जो सकिया है ये ठीक है, ये भी ठीक है, और जो लोग बोल रहा है पर क्या ये भी ठीक है, वो कैसे ठीक है, इसका बारे में काल हमने बताया था। जे नित्य धाम गोलोक में परकिया भाव एक नित्य सिद्ध भाव है, खाली भावना मात्र, खाली भावना का अनुसार रस सिद्धि होता है। तो इसीलिए गोपीगणों के अंदर में जो भावना सिद्धि है वो तो है ही है, वो परकिया भाव उसका। यद्यपि गोलोक धाम में कोई शादी फादी का कोई सवाल ही नहीं है, यद्यपि गोलोक धाम में शादी पादी का कोई चक्कर ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इस जगत में शादी है, उसका स्वामी है, सास है, ननंदी है, सब कुछ। लेकिन ये जगत में जो डाइवर्सिटी दिखाई पड़ता है, आप उस जगत में सास ननंदी कंस और गोपियों का हस्बैंड कुछ नहीं है, नित्य सिद्धो अभाव है पर किया, लेकिन भाव ठीक है, भाव में रहता है, अरे मेरा स्वामी देख लेगा, मेरा सास समझ जाएगा, समझ जाएगी मेरा सास, ये सब जो भाव है रसो सिद्धि के लिए बड़ा फायदादायक है। लेकिन रसिक भक्तों को उन्होंने ये बताया गोलोक धाम से जब ये लीला इस जगत में पधारते हैं प्रकटित होते हैं तो इस जगत में जो ब्रजधाम का जो 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 सुंदर विन्यास है ये सबसे बड़ा आनंददायक है। क्यों बोला, क्योंकि गोलोक धाम में भाव है ना, तो कंस है ना को ना तो गोवर्धन है ललिता का स्वामी, राधा रानी का स्वामी आयन घोष कुछ नहीं है, वहां से भाव है, वहां से भाव, भाव मतलब नेगेटिव भाव नहीं है, पॉजिटिव भाव, गोलोक धाम में कोई नेगेटिव चलता ही नहीं, तो वहां जो पॉजिटिव भाव है ये सबसे बड़ा। और इस धाम में जो उस गोलोक धाम से वृंदावन पधारते हैं यहां लीला का मिठास ज्यादा है। क्यों, बोले वहां तो सिर्फ भाव है, यहां तो फिजिकली वी कैन सी आयन घोष जटिला कुटिला कंस फिजिकली दिखता है, तो इसलिए यहाँ रुकावट का जो सेंसरी रुकावट का जो मात्रा है वहाँ ज़्यादा लगता है और फिजिकली दिखाई पड़ता है, उससे रस जरा आनंददायक ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा होता है ना, इसलिए ऐसा है। सो कृष्णों का तरफ से उपपत्तो अर्थात कृष्ण जी हीरो उपपति गोपियों का पति देवता है और कृष्ण उपपति है,
ये जड़ जगत में ऐसा कश ये जड़ जगत में अगर ऐसा कंसेप्शन रहे किसी का जिंदगी में वो धिक्कार उसको मिलना चाहिए। ये जगत में इस जगत में अगर पता चला इस जगत में अगर पता चला किसी का स्वामी है और ये जो बीवी है ये दूसरा लड़का का पीछे पड़ा हुआ है तो इस जगत में ये धिक्कार मिलेगा, थुक्कार मिलेगा, घृणा मिलेगा। लेकिन अपराकृत जगत में तो कृष्ण एक ही है, कृष्ण एंजॉयर एक ही है, मालिक एक ही है और हीरो एक ही है, वही स्वामी वही हीरो सब कुछ। लेकिन बाहरी दृष्टि में लगता है कि कृष्ण उपपति, एक्चुअली कृष्ण उपपति नहीं है, हर कोई का असली पति तो कृष्ण ही है। काल बताया था ना, याद है, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशम एव देही नाम यंतश्चर सदुख किरण नेह देववा, हमने बताया। गोपी गणों का जिंदगी में बा गोपी गणों का विषय में और गोपियों का जो स्वामी है इनके विषय में हर कई का हृदय में यही भगवान बैठा हुआ है। यंतश्चर सदुख हर कोई का, गोपीगणों का अंदर में कृष्ण बैठा है और गोपीगणों का जो हस्बैंड है स्वामी उनका उनके अंदर में भी बैठा है। मतलब सर्वेशा में वो देहिना, हर कोई का घट घट में, हर कोई का हृदय में भगवान विराजमान है। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशा में वो देहिना जो अंतश्चर अंतर में परमात्मा रूप बैठा हुआ अंतश्चर स्वाध्यक्ष, ही इज द मेन कंट्रोलर प्रिंसिपल, यही सब कोई का स्वामी है, ये सब कोई का स्वामी यही है। लेकिन फिर भी रसो सिद्धि के लिए, रस का मजा लेने के लिए कृष्ण को उपपत्तो अर्थात कृष्ण को हीरो माना गया, हीरो माना गया कृष्ण को। और इसमें सबसे बड़ा सम्मान मिल सकता है। इससे क्या होता है, कृष्ण उपपति है, हीरो है और बाकी गोपियों का विषय में बता दिया। ये बाकी गोपियों के बारे में बताया, अभी क्या बताया, ब्रज गोपियों का अंदर में कृष्ण का अंदर में सब एक ही है, एक ही कृष्ण बैठा हुआ है। तो गोपीगणों का स्वामी तो है एक ही, उसका नाम है कृष्ण और कोई स्वामी नहीं, बाकी सब उपाधिक, इज वन काइंड ऑफ टाइटल सब टाइटल ऐसा माया के द्वारा, बाकी कोई स्वामी नहीं। तो कृष्ण के लिए कोई व्यभिचार बोल के कोई चीज नहीं रह सकता है। कृष्ण के विषय में कोई व्यभिचार बोल के कोई चीज नहीं रह सकता है, असंभव है। इसलिए काल बताया था, याद है आपको, भागवत जी महापुराण में रासलीला का अध्याय में लिखा हुआ है, आत्मा रामो ओपी और रमत, कृष्ण आत्मा राम फिर भी रमन कर रहे हैं। फिर लिखा गया आत्मनि अवरुद्ध सौरत, अपना काम जो है डार्टी कान कुछ नहीं है कृष्ण के अंदर। कृष्ण इतना करोड़ों करोड़ों गोपी का साथ खेला कर रहे हैं फिर भी उसका बमोचर जो इंटैक्ट है, आत्मनि अवरुद्ध सौरत। फिर आगे चलकर लिखा हुआ है कृष्ण रमन किया है, लेकिन कैसे रमन किया है, रे मे बज सुंदर भीर यथार्भ कहा सब प्रतिबिंब विभ्रम, एक बच्चा जैसे दर्पण, एक बच्चा जैसे एक दर्पण के सामने
अपना ही प्रतिच्छवि देखकर खेला करता है, मजा करता है, ऐसा ही कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो आई बात समझ में, भगवान का लिए कोई व्यभिचार बोल के शब्दों यूज नहीं हो पाता। जो इस जगत में सबसे घृणित है, जो चीज इस जगत में सबसे घृणित है, धिक्कार देने वाला चीज है, वही चीज अप्रागृत जगत में सबसे बड़ा फायदादायक है, सबसे बड़ा सम्मानदायक है। तारकीय भाव सबसे बड़ा, इससे बढ़कर हो ही नहीं सकता। मैंने एक उदाहरण दिया, एक जलाशय का जो एक जलाशय का पास एक बड़ा सा नारियल पेड़ है, एक बड़ा सा नारियल पेड़। मैं पानी के अंदर में देखा तो नारियल पेड़ का जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन, जहां पत्ता है, फल है, वो अगर डायरेक्टली देखो तो ऊपर दिखेगा, ऊपर। नारियल पेड़ को अगर आप देखोगे तो कहाँ देखोगे, ऊपर देखोगे, फल है, पत्ता है, सब कुछ है, वाह कितना ऊंचा है। लेकिन वही नारियल पेड़ का जब प्रतिबिंब पानी के अंदर में गिरा तो आपको लगेगा अरे हमने देखा ऊपर है, ये ऊपर गया, और पानी के अंदर में जो प्रतिफलन है इसमें, ये पेड़ का जो माथा है ये नीचे चला गया। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब है, इस जगत में ये नारियल पेड़ का मापिक, इस जगत में जिसका अंदर में ये सब काम भाव है उतना ही है घृणित है। मतलब पानी के नीचे है, पानी के नीचे जो प्रतिफलन है वो नीचे है, गिर गया एकदम नीचे। तो ये पानी के अंदर में नारियल पेड़ को देखो तो एकदम नीचे गिर गया है, कहाँ चला गया, फल पाता सब उल्टा परफॉर्मेड रिफ्लेक्शन। तो हाँ, ये इतना घृणित है। और उसी नारियल पेड़ को ऊपर देखो, मतलब गोलोक धाम वृंदावन का प्रेम काम एक ही है। ये अपराकृत जगत का गोपियों का प्रेम के बारे में देखो तो सबसे ऊपर है, और ये जगत का प्रेम सबसे नीचे है। कृष्ण का बारे में आत्मा राम ये सब जो शब्द यूज किया, कृष्ण का स्वरूप में ही ऐसा है, आत्मो रमता कृष्ण का निजी धर्म है, पर्सनल धर्म है, किसी का नहीं। सो आत्माराम ओपी ओरिनोमत, मतलब क्या है, भगवान आत्माराम है, इसका अंदर में कोई काम का कोई दुर्गंध कुछ नहीं है, निर्मल है। सो यही स्वकिया परोकिया में विभेद है। हमने जितना हो सके उतना ही चेष्टा की आप लोगों को बताने के लिए। जैसे और एक मिसाल दे दे, जैसे नंदो बाबा जसोदा माँ गोलोक धाम में विराजमान है, जरूर है। नंदो बाबा जसोदा माँ सारे नित्य जगत में विराजमान, लेकिन कृष्ण का कोई जन्म नहीं होता गोलोक धाम में। योर अटेंशन प्लीज, भगवान श्री कृष्ण का जैसे जन्म लेने का प्रसंग दिखाई पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म लेने का जो प्रसंग दिखाई पड़ता है इस जगत में दिखाई पड़ता ना, इस जगत में कृष्ण का आविर्भाव
दिखाई पड़ता। लेकिन गोलोक धाम में कृष्ण का तो कोई जन्म नहीं है। गोलोक धाम में कृष्ण का कोई जन्म है क्या? वो तो है नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण का जन्म का कोई प्रसंग नहीं है। तो जन्म का तो महाराज ध्यान से सुनो, अगर जन्म का ही कोई प्रसंग नहीं है तो पिता माता कहां से आ गया महाराज? तमाम कंफ्यूजन पैदा होगा। बोले महाराज आपने बोला जन्म का कोई प्रसंग नहीं है गोलोक में, तो जन्म का अगर प्रसंग नहीं तो पिता माता कहां से आ गया महाराज? आसमान से आ गया क्या? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। ये जड़ जगत का साथ अपराकृत जगत का तुलना करने जाओ तो ये बेवकूफी होगा। ये सबसे बड़ा बेवकूफी होगा। क्यों? वहां जन्म का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन फिर भी नंद जसोदा है। तो नंद जसोदा अगर है अब जन्म नहीं है तो ध्यान दे। अगर आपने बोला नंद जसोदा उधर है, लेकिन जन्म का प्रसंग नहीं है, तो जन्म का अगर प्रसंग नहीं है तो कहां से पिता माता आ गया? ये मैंने इच्छा करके नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा जा क्या आपको समझ में है। हाँ, इसी बात का चर्चा हो रहा है। गोलोक धाम में जन्म का अभाव का अनुसार पिता माता को मानना नहीं चाहिए। कौन सी पिता माता? अरे जन्म ही नहीं हुआ, ये बात मत पूछो। इसीलिए इतना कष्ट करके चेष्टा कर रहा समझने के लिए। गोलोक धाम में जन्म का भगवान का प्रसंग नहीं होने से कृष्ण के अंदर में एक भाव है, मेरा पिता है जसोदा, नंदोबा पिता है नंदो बाबा, माता है जसोदा। ये बात हमने पहले ही बताया। ये मैं इसका लड़का हूं, ये भाव का साथ साथ सिद्ध हो जाता है। बात्सल्य रस, नंद जसोदा का बात्सल्य रस सिद्ध होता है। ये लोगों का याद ही नहीं रहता कृष्ण का जन्म नहीं है क्या है, ये लोगों को याद है सेवा से, बात्सल्य से, बस हो गया। बात्सल्य रस शॉपिंग। सो जन्म का अभाव होने का मतलब है पिता माता के भी अभाव। जन्म का अभाव का मतलब है जन्म लेने का, जन्म का कोई प्रसंग नहीं है, जन्म लेने का कोई प्रसंग नहीं है, जन्म लेने का कोई, जन्म लेने का कोई प्रसंग नहीं है, जन्म लेने का कोई प्रसंग नहीं है, जन्म लेने का कोई प्रसंग नहीं है, इसका मतलब है पिता माता भी नहीं है ना। आपने समझा नहीं। बात्सल्य रस नंद जसोदा का ओर से मेरा लड़का है, ये भाव एकदम पक्का है। कृष्ण का तरफ से मैं इनके बेटा हूं, ये पक्का है। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। सो विचित्र ब्रज लीला का अधिकार का अनुसार गोलोक का पृथक पृथक स्फूर्ति होता है, वो जो दर्शन करने वाले उसका हृदय। वही जो स्फूर्ति, जो स्फूर्ति होते रहता है किसी दार्शनिक का अंदर में, या तो जो दर्शन करने वाले हैं वही दार्शनिक। विचित्र बोजो लीला का अधिकार का भेद का अनुसार गोलोक का भी अलग अलग सा स्फूर्ति ये संभव हो सकता है। उसी प्रकार का स्फूर्ति कभी कोई कोई अंश में माइक है, कभी कोई कोई अंश में माइक होता है, कोई कोई अंश में शुद्ध होता है। इस विषय में हम लोगों का सिद्धांत करना कठिन है, किनके अंदर में कैसा भाव है, कितना तक उसको कृपा मिला है, वो हम क्या जाने, हमको मालूम नहीं।
और ये जो भक्ति चक्षु है जो हमने पहले श्लोक में बताया था, यथा यथा आत्मा परिमिज्जित सो, जितना परिमाण में विशुद्ध भक्ति चक्षु प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो भक्ति चक्षु प्रेमांजन लेकर काजल के द्वारा जितना ही आंखों का सफाई हो गया है उतना ही उसका दर्शन का क्लैरिटी संभव है, तो उतना ही ग्रेजुअली विशद स्फूर्ति का उदय होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते विशद माने कंप्लीट दर्शन का जो एक अधिकार ये होता है। गोलोक तत्व अचिंत भाव, गोलोक तत्व अचिंत भाव माय, ये अचिंत भाव को चिंता के द्वारा अनुसंधान करने जाओ तो तुषाव घातिर नए निरर्थक परिश्रम। अचिंत भाव को जो चिंता के द्वारा स्पेकुलेशन के द्वारा ये अचिंत भाव को चिंता के द्वारा स्पेकुलेशन के द्वारा अनुसंधान करने जाए तो ये आपको धान निकालने के बाद जो तूष पड़ा रहता है उसको पिटाई करके चाल निकालने का कोशिश का बराबर। समझा नहीं, जैसे चाल निकल गए उसको मुराई करके चाल निकल गया, अब सिर्फ भूसा पड़ा हुआ है, भूसा को ऊपर जितना लाठी देके पीटो तो चाल थोड़ी निकलेगा, चाल तो निकलेगा नहीं, चाल तो निकल गया लगता है कि स्थूलो तुषाव घातिनम, ये ब्रह्मा जी ने होता है, ये ज्ञान के प्रयास के द्वारा इसका पिटाई करके उसको क्रीम निकालना इट्स योर फ्यूटाइल एफर्ट, ये सब बकवास बंद करो। क्योंकि गोलोक तत्व अचिंत भावना मय, अचिंत भावमय, क्योंकि गोलोक तत्व अचिंत भावमय, अचिंत भाव को चिंता के द्वारा अनुसंधान करने जाओ तो उसमें क्या होगा ना स्थूलो तुषाव घातिना, कुछ नहीं निकालने वाला है, सी तर्क वितर्क यही चलते रहेगा और असली कुछ सिर्फ तर्क वितर्क चलते रहेगा और कुछ नहीं निकालेगा। निरर्थक तर्को अपतिष्ठो सुतयो विभिन्ना नासो मुनिर्जस्व मतम न भिन्नम धर्मस्य सत्यम निहितो गुहायम महायनो येनो गतो सबंध। सो ज्ञान चेष्टा से पड़े, ज्ञान चेष्टा से पड़े रहकर भक्ति चेष्टा में अनुभव लाभ करना ये उचित है। ज्ञान चेष्टा को दूर रखो। सो ज्ञान चेष्टा को दूर रखो, दूर नहीं इसको निरस्त फेंक दो। ज्ञान प्रयास मुदपाश्य, ज्ञान का प्रयास को हम दूर फेंक दो। ज्ञान प्रयास मुदपाश्य नमंति एव जीवन्ति सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोवीर जे प्रयासो अजीतो जीतो पियोशीष तो स्त्रीलोक्या। सो विचार ये है जे गोलोक तत्व अचिंत भावनामय, ये अचिंत तत्व को अचिंत भाव को चिंता के द्वारा अनुसंधान करने जाए अपना दिमाग को लगाए तो ये आपका बेकार हो जाएगा, निष्फल चेष्टा हो जाएगा। ज्ञान चेष्टा से परे रहकर
ज्ञान चेष्टा छोड़कर भक्ति चेष्टा के द्वारा अनुभूतियां लाभ होते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन इनो ये नेक्स्ट श्लोक में ही आए आने वाला है, तो हम इसी को उठाया क्योंकि कंक्लूजन है। पिछले कई दिनों से जो चर्चा हो रहा था हमारा, ये बड़ा सबसे मैंने सच पूछो तो पूर्व ब्रह्म संहिता का अंदर में पूरा ब्रह्म संहिता का अंदर में सबसे वाइटल, सब कुछ वाइटल है, कोई श्लोक किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर न्यूट्रल होकर विचार किया जाए सबसे गहरा विचार ये इस ये जो श्लोक चल रहा है 37 नंबर, आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थावीर्य निज रूपोत्तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषत्व। यही श्लोक, इसके द्वारा हमारा जितना सारे संशय संदेह, कृष्ण को मैंने कंपिटिटर मानते रहा है इतना दिन, इतना दुर्गंध दूषित विचार मेरे हृदय को अपवित्र कर दिया, इसका सारे समाधान ये श्लोक के द्वारा। मतलब जो कृष्ण है यही राधा रानी है, जो कृष्ण है कृष्ण से ही ये गोपियों सब एक ही है, ये आनंद चिन्मय रसो प्रतिभावितावीर स्थावीर एव निज रूपोत्तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। सो ठाकुर जी ने बताया जड़ बुद्धि वाले व्यक्तियों का परोक्षीय चेष्टामयी भक्ति है, ठाकुर बताया, लेकिन हमारा गौड़ीय मठ का अंदर में ऐसा कोई आचार्य भी पैदा हुआ था जिन्होंने उल्टा बताया। भक्तिमन ठाकुर का विचार को पूरा ट्रांसग्रेस फेंक कर अपना विचार को लगाया, इसलिए दे आर ऑल फेल्योर। जड़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए परोक्षीय चेष्टामयी भक्ति ये बड़ा विघ्नदायक है, क्योंकि इट बिकम्स अ मेटेरियल कंसेप्शन। जड़गत वैधर्म विधर्म रूप में प्रकट हो सकता है। अगर भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखित भजन रहस्य किसी ने पढ़ना नहीं चाहता है तो मैं क्या करूं, उसका अंदर सारे ये सब बताए। मैंने कोई अपना मनमानी कुछ नहीं बताया, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया। भक्ति ठाकुर ने लिखा है, तुमने अभी तक एक वृक्षों का ऊपर चढ़ा नहीं फल लेने के लिए, तुम नीचे से चिल्ला रहे हो, ना उठिले बिक्खो पोरी, ना उठिले बिक्खो पोरी, माने तुम अपना भजन करके उसी लेवल तक नहीं गया और नीचे से चिल्ला रहे हो, खींच रहे हो, ए फल दे फल दे फल दे, अब फल मिल गया, मैं गोपी बन गया, रागानुगा रूपानुगा। ये है आजकल का जमाने कली का भजन, कलिकाल का भजन। भक्ति मुंडोई जो बात बताए, ना उठिले बिक्खो पोरी, तुम वृक्षों को ऊपर चढ़ा नहीं और फल लेने के लिए खेचा मिची कर रहे हो, खेचा मिची, ना उठिले बिक्खो पोरी, फल ले रही टाना टानी, दुष्ट फल करिले अर्जन, ये बिकन फॉल डाउन इन द नेम ऑफ रागानुगा रूपानुगा भजन, हम क्या कर सकता, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, हैं आम के लिए क्या कर सकता बताओ। सो ये जड़ बुद्धि वाले के लिए परोक्षीय चेष्टामयी भक्ति का चेष्टा बहुत 100% जड़गत वैधर्म रूप में परिणत हो जाता है, इट बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अगली मेटेरियल कामा। Who can say? So, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, आज तक का जो चर्चा है, लड़ाई है, ये बंद करो, बकवास। क्योंकि हमारा तत्ताचार्य जो जीव गोस्वामी पद, ये भगवान का निजी जन है, गौरंग महाप्रभु। एट द सेम टाइम ये विलास मंजरी है,
भगवान का लीला में इसका अधिकार तो 100% है ही है। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने जो बताया है इसको लेके लड़ाई करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें आचार्यों अवमानना हो जाता है, आचार्यों का अवमानना हो जाता है अगर करने जाओ तो ये अपराध हो जाएगा। आज यहां तक ये श्लोक का चर्चा आनंद चिन्मय रसो प्रतिभावितावि यहां तक हमने पिछले दो एक सप्ताह से दो तीन सप्ताह से चर्चा चल रहा था इसी का विषय पर। अभी हम लोगों का एक श्लोक है 38 जो कि पहला श्लोक का परिपूरक है। पहला श्लोक में भगवान आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी अपना ही अपना स्वरूप का साथ स्वरूप शक्ति के साथ विलास करे, और इसमें भी ये विचार आता है अपना मेटेरियल दर्शन के द्वारा शकिया परकिया ये सब लेके तर्क वितर्क चलते रहे करोड़ों साल, इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर विचार बढ़ा के बता के हम लोगों को सावधान कर दिया। और इसके बाद जो श्लोक है 38 नंबर, इसमें आता है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषोत्तम। ये बड़ा सीधा श्लोक है, बहुत बार चर्चा हो भी गया और फिर भी होएगा कोई बात नहीं। मतलब ये है, मैंने जो श्लोक शुरू किया यथा यथा आत्मा परिमिज्यते सो बता ना, जितना जितना हरि कथा निष्ठा का साथ सुनते रहोगे उतना ही आपका चेतो दर्पण मार्जन हो जाए। चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादवाग्नि निर्वापनम स्वयकोरवचंदिका वितरणम विद्यावधुर्जीवनम आनंदनुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित्वास्वादनम सर्वात्मस्नपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये प्रेम का अंजन, ये प्रेम का अंजन, ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा है। इसके बाद प्रेम मिलने के बाद राग अनुराग है, रोती भाव धीरे धीरे धीरे, ये तो पहली रोती हो गया, उसके बाद प्रेम, और इसके बाद प्रेम के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत सारे चीज है, ये प्रेम भक्ति तक इस जगत में, जे ये जगत में रहते समय प्रेम भक्ति तक आ सकता, इसका ऊपर नहीं। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। आप प्रेम भक्ति का बाद आगे बहुत सारे आगे भी जा है, बहुत सारे चीज हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे इस विषय में, अगले सप्ताह इस विषय में। तो प्रेम की अंजन मतलब प्रेम की जो अंजन है लेकर है, प्रेमांजन के द्वारा रंजित भक्ति चक्षु, पहले बताए हमारा जो दर्शन क्रिया है हमारा संस्कार का ऊपर डिपेंड करता है। अंदर में खोखला है, अंदर में खोखला है कुछ नहीं है तो हम क्या दर्शन करें, कुत्ता बिल्ली दर्शन करेंगे और क्या दर्शन करेंगे। पोपात कहते हैं जगन्नाथ मंदिर में गढ़ा बड़ा लड़ाई करके जगन्नाथ दर्शन करेंगे, पोपात जी बोल रहे बड़ा लड़ाई करके एसी टिकट काट के चीआर काट वो पूरा आ गया उधर, मैं जल्दी जल्दी सुपरफास्ट गाड़ी करके या तो प्लेन करके भी जा सकता है, पैसा तो कमी नहीं है, चलो और जाके धक्का मुक्की करके जगन्नाथ मंदिर घुसा है, जाके जगन्नाथ दर्शन कर रहे हैं। पोपात कह रहे हैं क्या वो जगन्नाथ दर्शन किया है क्या, हाँ दर्शन कुछ नहीं किया है। पोपात कह रहे हैं एक पुई साग बोल के एक बंगला में, इसका हिंदी क्या है मैं जानता नहीं, मैं खाता भी नहीं हूँ, तो एक पुई साग बोल के बड़े बंगाली लोगों का बहुत प्रिय है, ये बहुत सारे मठ में भी बांधता है जब भी निषेध है, पुई साग को आमिष माना गया फिर भी हाँ बहुत मठ में ये बांधता है। मैं
मेरा पास कोई उत्तर नहीं है क्यों मानता है, लेकिन बनाता है वो। ये भोग में जाना ठीक नहीं है, आमिष बताया, जो भी है चलो कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है, भोपात कह रहे हैं कि जगन्नाथ दर्शन करने गए, इतना हंगामा मचाकर जगन्नाथ दर्शन करने गए, तो जगन्नाथ के दर्शन किया और हाँ किया, क्या कुछ नहीं किया। जगन्नाथ का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें क्या गोल गोल सारी, क्या है ये बेकार, ऐसा ही देख। अर्थात प्रभुपाद का प्रभुपाद ने बताया जगन्नाथ दर्शन करने किया, लेकिन पुयर माचा देखे छे बांग्ला में, बोले जगन्नाथ दर्शन करते गए पुयर माचा देखे छे। माचा माने जैसे जैसे जानते हो ना गार्ड कुमड़ा है, जानते हो ना सीताफल, ये जो होता है ना उसका थोड़ा माचा बना दो, उसका ऊपर में रहता है लता वृक्ष है ना, नीचे नीचे लौकी, उसको थोड़ा माचा बना दो, उसका सहारे सहारे ऊपर जाएगा, ऊपर में फल धरा पड़ा रहेगा। तो पोपा जी ने बताया ये क्या जगन्नाथ दर्शन करके आया है कि पुई का माचा दर्शन करके आया है? क्या गोल गोल आके क्या, और महाप्रभु का दर्शन क्या है, महाप्रभु का क्या दर्शन है? भले महाप्रभु का दर्शन है राधा गोविंदो राधा लिंग तो विग्रह, जगन्नाथ को देखा मदन मोहन, राधा रानी को लेकर आलिंगन करके, तो महाप्रभु के ये दर्शन है। पीछे पीछे कौन से पीछे, गरुड़ भगवान का पीछे रहकर महाप्रभु दर्शन करते, और आंखों में आंसू आंसू और आंसू, जैसे नदी बह रही है ऐसा, ये महाप्रभु का दर्शन। महाप्रभु का दर्शन ये है, जैसे जगन्नाथ चकम में आता है ना, भगवान का जगन्नाथ का हाथ में क्या बंसी है, बंसी कहाँ है, हाथी नहीं है, बंसी कहाँ से आएगा महाराज, ये तो हाथी नहीं है तो कहाँ से बंसी आएगा। लेकिन महाप्रभु ऐसा दर्शन नहीं सिखाया, महाप्रभु दर्शन ऐसा दर्शन किया भी नहीं है, हैं आ ऐसा दर्शन किया भी नहीं है, आज सिखाया भी नहीं है, लेकिन हम लोग का ये दर्शन है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा वीर नारी, ये जो श्लोक है इसमें है ना सुंदर, जगन्नाष्टकम, जगन्नाष्टकम है बहुत सुंदर। आ जगन्नाष्टकम में कितना सुंदर बताया, देखो कितना सुंदर, हाथ में बंशी है भगवान का और फिर जमुना का किनारे हैं, जमुना का किनारे हैं और जमुना का किनारे हैं, कितना सुंदर ये सब दर्शन। लेकिन हम लोगों का दर्शन में ऐसा खोटा है, हम लोग का दर्शन में ऐसा ही। लेकिन देखो महाप्रभु का दर्शन में कोई बोलता है महाप्रभु लिखा है, आ कोई बोलता है शंकराचार्य लिखा है, महाप्रभु लिखा है, हमारा गुरुवर्ग ने बताया महाप्रभु का मुख विगलित क्या है, भले भुजे शव्ये बेनुम सिरसि सिकिपीक्षम कतितते दुकूलम नेत्रान्ते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद्बिन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तब भुजे शव्य बेनु, बाया खैरे हाथ में बेनु है, सिरसि सिकिपीक्षम कतितते, तो हमने देखा ना तो जगन्नाथ का हाथ है पैर है कुछ नहीं है महाराज, ऐसा हमारा दर्शन है। तो ठीक ही बताए, महाप्रभु का प्रेम नेत्र है वो सख्त जगन्नाथ स्वयं ही है, फिर भी ऐसा। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा वीर नारी बदन कमला शाद मधुपो
रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे शैव्य वेणुं शिरसि कृपीक्षं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्बिन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये भगवान का दर्शन, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये दर्शन सिखाया हम लोगों को, ये असली दर्शन है। तो प्रेम कौन सी बड़ा बात है, प्रेम के द्वारा दर्शन करो तो ठीक है, और प्रेम के द्वारा अगर दर्शन ना करो तो पहले ही प्रभुपाद ने विचार बताया। किसी ने प्रश्न किया, अरे माँ प्रभुपाद ये जगन्नाथ मंदिर में इतना सारे डार्टी पिक्चर है अश्लील, ये क्यों है, ये सब क्या है, ये छी छी छी। प्रभुपाद ने बोला ये डार्टी नहीं है, डार्टी नहीं है ना, ये जो स्काचर स्काचर भास्कर जो, ये डाटी नहीं है, ये भगवान का इच्छा। जगत दर्शन जिसका हो जाएगा उसका जगन्नाथ दर्शन सख्त माना है। आई बात समझ में, बाहरी जगन्नाथ मंदिर घुसा तो आंखें गया वो जो दीवार पे जो चीज खुदाई किया है उसी के ऊपर, लड़का लड़की ये सब बस हो क्या हो गया, अंदर में जाए धक्का मुक्की करके क्या जगन्नाथ दर्शन होगा, क्या होगा है? कच्चा कला मिलेगा, कच्चा केला भी मिलेगा और कुछ नहीं। तीसरे पोपा जी ने बोले इट इज वेरी ऑस्पिशियस, ये बड़ा मांगलिक है, क्योंकि जो जगत दर्शन करना चाहते हैं जगत ही दर्शन करे, उसका लिए जगन्नाथ दर्शन संभव नहीं होता। अगर गुरु वैष्णव का कृपा से जगन्नाथ दर्शन हो गया तो जगत दर्शन हो जाए, बंद हो जाएगा, दोनों दर्शन एक साथ साइमल्टेनियसली चल नहीं सकता। आई बात समझ, जगत दर्शन भी हो रहा है और जगत दर्शन भी हो रहा है, ये कैसे हो सकता, संभव नहीं है। जिसका जगत दर्शन हो गया जगन्नाथ दर्शन सख्त माना है, और जिसका जगन्नाथ दर्शन हो गया गुरु वैष्णव की कृपा से उसका तो जगत दर्शन धिक्कार और थुक्कार देने वाला, वो तो देगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्पम गोविंदमादि पुरुषम परमं भजम। तो प्रेम अंजन हमने भाग करके बताए, प्रेम अंजन छुरितो, प्रेम की अंजन के द्वारा विभावित भक्ति, भक्ति का विलोचन मतलब विशेष लोचन, भक्ति विलोचन एनो, उस समय ये लोचन लोचन नहीं रहता, विशेष लोचन, विशेष आंखें, दिव्य चक्षु। और संत जो साधु संत महात्मा है, संत मतलब जो साधु का वेश रचाया, केवल ये लोग की संत नहीं, ये नहीं भी हो सकता, संतों का बेस बनाया, संतों का बेस बनाया लेकिन संत नहीं, गुंडा डाकू है, कंस है, गुंडा डाकू है, कंस है, साधु नहीं है। मैं कसम से बोल रहा हूं साधु तो नहीं है, वो तो दूर की बात है, साधु नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन ये उल्टा है, ये काफिर है, ये गद्दार है, ये असुर है, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और कंस जैसा कुछ नहीं, इससे बढ़कर इसका हालत नहीं है, ये इससे भी खराब है। तो संतो बोलने से पक्का संत, पक्का संत, जिसका बारे में शंकराचार्य जी बताया, शंकराचार्य जी ने बताया इह जगति सज्जन संगति रेखा, इह जगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका, इसी का नाम संत है, जिनके चरण पकड़ने से वो हमको ले जाएगा, जरूर ले जाएगा।
उसका पर भरोसा किया, प्यार किया, विश्वास किया, क्या वो धोखा देने वाला है? कभी नहीं। लेकिन अगर संतों का बेस में कोई रावण रहे तो आपको तो धोखा मिलेगा ही, आपको तो धोखा मिलेगा ही। मैंने हर मठ मठ में पैर पकड़ने के लिए गया था, जा बस करो, खुद हो गया, बंद करो, गद्दारी मत करो, हमारा गौड़ीय मठ का इज्जत का सवाल है, ऐसा पैर पकड़ने के लिए मेरा पास टाइम नहीं है। फिर भी गया, हर कोई का किसी जगह मेरे को गाली मिला, अपमान मिला, मैं हंसते हंसते आ गया, ठीक है अब तू मर, मेरा बचाने का फर्ज है, मैंने अपना चेष्टा किया, अब तू गले में रस्सी लगाकर लटका के मर जा तो तेरा बात है, मैं क्या करूं, जा मर, छोड़ दिया, आ गया। बहुत समझाया, दिखाया प्रमाण, प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गद्दारी हो जाएगा, हमारा खानदान सोचो प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत। वो माना नहीं, बोले पहले बोलना चाहिए था। अरे पहले क्या, तू नादान है क्या छागल, तू नादान है, तू जानता नहीं, मक्कार, धोखेबाज है, झूठा कहीं का, कपट, तू जानता नहीं, मैं बोलने से तू जानेगा है, बदमाश, सब जानता है, लेकिन ये धोखेबाजी अपना ऊपर कर रहा है, किसी का साथ नहीं चलेगा, वो मरेगा खो। तो संत हो सदैव, संत मतलब साधु संत वास्तविक, जिसका निर्मल आंखें, जिसका निर्मल आंखें हैं वो संत हो, सदा एव सदैव, सदा एव, इसको संधि को जोड़ दो, सदा एव सदैव। हृदयेषु संत बहुवचन किया, इसलिए हृदयेषु हैं, हृदय का अंदर में विलोकयंती बहुवचन है, हैं, दर्शन करते रहता है। कौन सी चीज दर्शन करते रहे, बोले जम, जिसको श्याम सुंदरम अचिंत गुरु, जो श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप, जो श्याम सुंदर है अचिंत गुण स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह, वही गोविंद को गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजन, आपको भजन कर रहा, वही आदि पुरुष गोविंद सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप जो है कृष्ण का अचिंत, जुगपत सविशेष और निर्विशेष, आई बात समय में, भगवान कृष्ण का बारे में कॉन्ट्रडिक्टरी विषय ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जड़ जगत में नहीं है। जैसे भगवान एक ही साथ नित्य विराजमान है श्याम सुंदर रूप में सविशेष, फिर भी निर्विशेष रूप में भी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी ओमनीशियंट, ऑल परवर्डिंग सुप्रीम लॉर्ड, सो श्याम सुंदर रूप क्या है न, कृष्ण का अचिंत जुगपत सविशेष और निर्विशेष आदि विरुद्ध रूप संपन्न, दोनों ही सच है। और साधुगण भक्ति समाधि के द्वारा अपना हृदय में जिनका दर्शन करते रहते हैं श्याम रूप, श्याम रूप, ये जड़ जगत का श्याम वर्ण नहीं है, अप्राकृत श्याम रूप, जिसका बारे में ब्रजवासी लोग गाते रहते हैं ना, सामरे से मिलने का सत्संग बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग बहाना है, श्याम रूप ये जड़ जगत का श्याम वर्ण नहीं है, किंतु चित वैचित्रगत नित्य सुखद वर्ण, जड़ चक्षु के द्वारा, जड़ आंखों के द्वारा जिसका दर्शन कदापि संभव नहीं है। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीत अमले, जिसका बारे में बताया ना भगवत का पहला स्कंद में,
भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीतमले अपश्यत् पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम्। जो व्यासदेव जी दर्शन किया ना, व्यास समाधि युग में दर्शन किया है, अपश्यत् पुरुषम, व्यासदेव समाधि के द्वारा दर्शन किया। जड़ जगत का दर्शन जब तक रहे तब तक श्याम सुंदर का दर्शन संभव। इसलिए हमारा बंगाली में एक बातें हैं, क्या है, श्याम राखी ना कुल राखी, श्याम को रखने जाओ तो अपना जड़ जगत को छोड़ना पड़ेगा। अगर जड़ जगत को इज्जत देना चाहो तो आपको श्याम सुंदर को छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ संभव है नहीं, दोनों एक साथ चलता ही नहीं। भक्ति योगे न मनुष्य सम्यक् प्रणीत हमारे अपश्यत् पुरुषम पूर्णम इत्यादि वैस समाधि या आलोचना करने से होता है। कृष्ण स्वरूप पूर्ण पुरुष केवल भक्ति भावितो समाधि के द्वारा आसन स्वरूप, समाधि का आसन स्वरूप भक्त हृदय में उदित होता है। ब्रज में प्रकट समय में भक्तो अभक्तो हर कोई का आंखों का सामने भगवान प्रकट होता है, लेकिन फिर भी दर्शन सब कोई का होता नहीं। कंसु भी देखा है लेकिन भगवान को उस नजर से देखने से तो देखा नहीं जाता। ब्रज में प्रकट समय में भक्तो अभक्तो सारे ही तो देखा है ये आंखों के द्वारा, किंतु केवल भक्तगण मात्रो ब्रज पीठस्थ कृष्ण के हृदय में, हृदय का परम धन, परम है परम धन संपत्ति बोल के आदर किया है, इसका प्रेम नेत्र का दर्शन है। बाकी अभक्त हैं और गुंडा है, डाकू है, ये लोगों ने भगवान को देखा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, लेकिन ये दर्शन असली दर्शन है नहीं। सो वर्तमान समय में कलिकाल में भगवान अक्सर हर भक्तों का सामने नहीं आता है। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा बहुत दिखाया था चमत्कार, लेकिन संभव नहीं। लेकिन संप्रति एट प्रेजेंट भक्त लोग प्रेम का आँखों से दर्शन लाभ कर सकता है अंदर में, बाहर में दर्शन तो एक सुदुर्लभ है। भगवान कलिकाल में छुप के रहना पसंद करता है। जीवों का चिन्मय शुद्ध विग्रह का जो अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, इसका नाम है भक्ति चक्षु, इसका नाम है भक्ति चक्षु। और ये भक्ति अनुशीलन के द्वारा जिस परिमाण में, जिसके जिसके जिंदगी में, जिसके जिसके जिंदगी में श्रवण आदि नाविदा भक्ति का अंग अनुशीलन करने के द्वारा जिस जिस परिमाण में उसका शुद्धता सिद्ध हुआ है, उसी परिमाण में कृष्ण स्वरूप का शुद्ध दर्शन संभव है, बाकी संभव नहीं। साधन भक्ति जब भाव अवस्था प्राप्त होता है, साधन भक्ति जब भाव अवस्था प्राप्त होता है, इसका नाम है भाव भक्ति। और जब कृष्ण कृपा लेकर प्रेम का अंजन आंखों में रखा गया, भाव भक्ति का भाव भक्तों का ऐसा ही हालत पैदा होता है कि जब कृष्ण कृपा के कारण प्रेम रूप अंजन के द्वारा ये भाव भक्तों का चक्षु में प्रयुक्त हो जाता है, इसका भगवान सामने आ जाता है, तब हृदय में अर्थात उसी भक्तों का तारतम्य का अधिकार का अनुसार दर्शन होता है। जब कृष्ण कृपा के द्वारा प्रेम रूप अंजन इसी भक्तों का भाव भक्तों का चक्षु में प्रयुक्त होता है, तब भगवान का दर्शन हो जाता है। मेन बात यह है कि श्याम सुंदर नटोबर मुरलीधर त्रिभंग मूर्ति ये कोई मेंटली कॉन्कोक्टेड नहीं है। इट इज नॉट इमेजिनरी, इट इज नॉट फिक्टिटस। हम दर्शन नहीं कर सकता,
इसका लिए इसका मतलब ये नहीं तो बेकार है, ये सच्चा है। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया फंडामेंटल बात ये है, भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया मूल 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 विचार ये है, जो श्याम सुंदर नटवर मुरलीधर त्रिभंग मूर्ति इट इज नॉट इमेजिनरी, ये वास्तविक है। प्रभुपाद जी ने बताया अगर आप श्याम सुंदर के साथ मिलना चाहो, जगन्नाथ के साथ, भगवान के साथ, इसी जन्म में हो सकता है, इसी यू नीड नॉट वेट फॉर द अदर लाइफ, इसी जन्म में हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको कृपा मिला, कृपा अगर मिल गया गुरु विष्णु का। ये समाधि नेत्र में अंतर चक्षु के द्वारा दर्शन करने वाला विषय है। तो ये श्लोक आप थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करें, बड़ा सुंदर भक्ति चक्षु के द्वारा दर्शन संभव है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचि सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाम। इसके बाद का श्लोक जो है इसमें बड़ा, आज तो हो नहीं पाएगा, खैर आज तो हो नहीं पाएगा, अगले हफ्ता मैं कोशिश करूं आप लोगों का कृपा लेकर जितना हो सके गहरा विचार, वो जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म संहिता ना समझे, गुरु जी बोलते थे जे जिसको सनातन शिक्षा रूप शिक्षा रायानंद संवाद ब्रह्म संहिता उपदेशामृतो है, उपदेशामृत मतलब रूप गोस्वामी पाद का उपदेशामृतो एट द सेम टाइम हमारा प्रभुपाद का उपदेशामृत सारे, क्यों उपदेशामृतो रूप गोस्वामी पाद का है और एक उपदेश हमारा हमारा प्रभुपाद का है। फिर आगे चलकर गुरु जी ने बताया देखो मनोशिक्षा शरणागति कल्याण कल्पतरु गीता का शिक्षा तो सबसे पहले, गीता का शिक्षा तो सबसे पहले इट्स अ फाउंडेशन। ये जो सहजिया लोग हैं हमारा संप्रदाय में ये तो गीता को फेंक दिया, अरे गीता क्या करे बच्चा का पहना है, अरे बच्चा बच्चा का पहना है ये क्या करे, अरे कृष्ण का लीला सुनो, हाँ कृष्ण का लीला पागलपंथी वो पागलपंथी है। ये गीता का फाउंडेशन है, इसका कोई वैराग्य नहीं है, क्यों बेसिक फाउंडेशन नहीं है भजन का, वो गोपी बन गया, अब बताओ वो गोपी बन गया, उसका कोई फाउंडेशन उसके एक उसका उसका कोई कॉमन सेंस नहीं है गीता के बारे में। गीता इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल शास्त्र, हमारे गौड़ीय शास्त्र का फाउंडेशन ही अगर नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगा। गीता इज द फाउंडे बेसिक फाउंडेशन, इफ गीता फाउंडेशन इज नॉट देयर यू कैन फॉल डाउन इन द बिल्डिंग एंड योर बिल्डिंग कैन कॉलैप्स। जो भी है छोड़ो, कोई बात नहीं, बहस करने से कोई फायदा नहीं, कोई मानेगा भी नहीं, जो जिसका मर्जी कर रहा है, अब कोई है नहीं ना, अब कोई है नहीं, सोचता है कि कोई है नहीं, जो इच्छा मर्जी करे, वो संत महाराज नहीं है, वो केशव महाराज नहीं है जो चप्पल उठाकर मारे मुख में है गाली दे, चप्पल उठाकर मारे, ये नहीं है, सब चला गया, और जो ही मर्जी करे, कर कर जो इच्छा कर, मर चूल्हे में जाए क्या करे, इतना चेष्टा किया बचाने की, कोई मानेगा नहीं, इतना दम्भ है। मैं आज प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, ये लोग चूर चूर हो जाएगा, ये लोग का अहंकार चूर चूर हो जाएगा, मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, देखना बदमाश का ही काफिर है, बेईमान है, मिर्जाफर से भी ज्यादा है, मिर्जाफर कभी ना कभी इसका मंगल हो सकता है, क्योंकि यह वैष्णव का विरुद्ध में कुछ किया नहीं, मिर्जाफर का मंगल कभी ना कभी हो सकता है, इन्होंने वैष्णव का विरुद्ध किया नहीं, ये लोग विष्णु का विरुद्ध, सो मिर्जाफर से करोड़ों गुना ज्यादा है, कभी भी अगले कभी कभी भी अनंत काल के लिए नरक जाना पड़ेगा, मैं बोल के रखता हूं, जो ने ये सब हरकतें किए गुरु वर्गों का विरुद्ध किया है, चलो चलो करो जो इच्छा करो जो मर्जी करो, जो भी है
अगले दिन चर्चा होने वाला है, एक श्लोक संदर ये भी चर्चा होना जरूरी है बहुत। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम परमहपमानजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आई बात इस श्लोक अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे आप लोगों का कृपा लेकर। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, उपाय भी नहीं है। यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत पुण्य गाथा सबनो विधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजनो संप्रयुक्तम। यहाँ चर्चा का वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।